गखड़मंडी के साथ भी आगे गांव है डाबचीवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं किसान का बेटा हूँ, गांव के स्कूल से, फिर साथ वाले गांव के स्कूल से, फिर गखड़ मेरा तीसरा स्कूल है, हाई स्कूल जो था। मैं लायक इतना होता था कि अपनी क्लास में टॉप कर जाऊँ। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाके तो मैंने ज़्यादा पॉलिटिक्स और गेम 120 पाकिस्तान चैंपियन बनाना है। 13 जनवरी 88 को मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला, 14 जनवरी 88 को मैं यूनिवर्सिटी में टीचर लग गया। मैं डे ड्रीमर था जी, डे ड्रीमर था। तो डे ड्रीमर में मैं ड्रीम तो देखता था, वो एक बड़ी अजीब सी ड्रीम थी कि मैं थोड़ी सी ऊंची जगह खड़ा होकर स्पीच कर रहा था। एक कंसेप्ट जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो था, वो आई लर्न फ्रॉम इमरान खान। ये मैंने आज तक इमरान खान को नहीं बताया। मैं अपने से बड़े आदमी को चीज़ें कम बताता हूँ, मैं समझता हूँ कहीं ये ना समझ आप खुशामद करता हूँ। एक तो ये कि बचपन पर भी मैं कहा करता था मैं बिजनेस करूँगा, क्यों कहते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का पहला बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी फैमिली में जॉब करने वाला पहला आदमी हूँ। सर्वाइवल के लिए ना करें कोई काम, ना बिजनेस सर्वाइवल के लिए करें, ना आप जॉब सर्वाइवल के लिए करें। आप जो कुछ करना है राइज करने के लिए करें, ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए करें। 9 to 5 जो जॉब है जॉब नहीं होती। आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो 9 to 5 कभी ना देखें। मुझे को कहे कि आप कह लें कि आप नहीं कर सकते, मैं माइंड करता हूँ उस बात को, ठीक है, वो ईगो मेरी बन जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम जो कि हमारा प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। आज के जो हमारे मेहमान हैं, लिटरली ही इज़ अमेजिंग एंड सुपर्ब। इसलिए अमेजिंग एंड सुपर्ब का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो हैं इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी सोच को कि जो लोग कहते थे इनको कि तुम नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में कुछ, इन्होंने उसको अपनी ना को हाँ में कन्वर्ट किया और लोगों को कामयाब होकर दिखाया। आज वही लोग जो कि इनको कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, इनकी अपने पूरे सर्कल में मिसालें देते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ही इज़ सच अ वंडरफुल प्रोफेशनल। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जमशेद चीमा साहब से। जमशेद चीमा साहब इज़ करंटली वर्किंग एज ए चेयरमैन एट ओरेगा ग्रुप। हम आज उनसे पूछेंगे कि उनके लिए कामयाबी क्या है और जो लोग उन पर तनकीद करते हैं उनको उन्होंने कैसे हैंडल किया। आइए मिलते हैं जमशेद चीमा साहब से। थैंक यू वेरी मच जमशेद चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय द वे, आई एम सुपर ड्यूपर एक्साइटेड टुडे कि आज आप हमारे साथ हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि आज का जो सेशन आपके साथ होने जा रहा है ये बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज हम ओरेगा ग्रुप की सक्सेस स्टोरी बताएंगे। आपकी सक्सेस स्टोरी है वो हम इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था आपके बारे में देख रहा था, आपका ताल्लुक गखर मंडी से, किस तरह से करियर का स्टार्ट किया, क्या सोचा था कि मैंने आना है, उसके बाद आके आपने छा जाना है? ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बहुत सारे काम आपकी डेस्टिनी कराती है, आप खुद नहीं कर रहे होते। मैं तो एक गखर मंडी के साथ भी आगे गाँव है डाबचीवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं किसान का बेटा हूँ, तो नॉर्मली ये कि गांव के स्कूल से, फिर साथ वाले गांव के स्कूल से, फिर गखड़ मेरा तीसरा स्कूल है, हाई स्कूल जो था। मैं लायक इतना होता था कि अपनी क्लास में टॉप कर जाऊं। तो वो टॉप जिनको मैं करता था वो प्राइमरी स्कूल में हम 4 स्टूडेंट थे, 4 में से मैं नंबर 1 होता था। तो ये नहीं था कि स्टूडेंट अच्छा था, बाकी 3 से अच्छा था, ठीक है। मिडिल स्कूल में गए तो वहाँ 96 स्टूडेंट थे, 96 थे तो 96 को टॉप कर लिया। सो ये आप कह लें कि वो वहाँ भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, लेकिन आप कह लें कि 96 से बेहतर था। हाई स्कूल में आए तो वहाँ 200 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में, तो 200 को टॉप कर लिया, ठीक है। वो एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, ये नहीं था कोई पढ़े जाता है या कोई मार्क्स अच्छे लिए, लेकिन बेसिकली ये था कि इतनी एडजस्टमेंट कि कम्पीट करने की सलाहियत या थोड़ा आगे रहने की या नुमाया रहने की, वो एक थी। आगे यू कैन से साथ में गेम करता था, तो गेम्स में भी जो आप कह लें स्पोर्टी बॉडी, तो वो जो स्कूल में गेम होती थी वो कर लेते थे बचपन में, कबड्डी रेसलिंग वगैरह। हाई स्कूल में आए तो वहाँ पे वॉलीबॉल था, वो कर लिया। आगे कॉलेज आए तो कॉलेज में कबड्डी थी, रेसलिंग थी। अच्छा, आगे उसके बाद यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ रेसलिंग, ठीक है। आप कह लें कि फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला गया मैं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाके तो मैंने ज़्यादा
politics or you can say this game. So under 20 Pakistan champion banana hai. तो गेम स्पोर्ट्स में अपना स्टडी में मैं बहुत मठा हो गया कि वहाँ चूँकि स्पोर्ट्स बहुत करते थे और सियासत भी करते थे तो बी ग्रेड लेके पास होते रहे. ठीक है, तो क्लास में जो आप कह लें कि जैसे कहते हैं ना सेकंड लास्ट या लास्ट वन, उस तरह बैक बेंचर बन के तो बड़ा एंजॉय किया हमने. तो वो एक नया एक्सपीरियंस था कि पहले टॉप करते रहे फिर बैक बेंचर बन गए. तो चार साल मैंने पाँच साल बैक बेंचर के तौर पर गुजारे कि जो बॉटम स्टूडेंट होता है पास हो गए बी ग्रेड लेके. तो वहाँ से जो निकले हैं मैं कोई 13 जनवरी 88 को मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला. 14 जनवरी 88 को मैं यूनिवर्सिटी में टीचर लग गया UAT में. तो आप कह लें कि यूनिवर्सिटी में टीचर लगा तो यहाँ उस वक्त 17वें स्केल की तनख्वाह होती थी 3294 रुपये. तो मुझे मिलते थे एक प्राडो मुझे दी उन्होंने, तो यंगेस्ट मतलब मैं रिसर्चर था और टीचर था. तो मेरे पास ना वहाँ पर उस वक्त ये फ़ोन शोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे. तो मेरी टेबल पर फ़ोन था, जो एक चेयरमैन की टेबल पे फ़ोन था और एक मेरी टेबल पे फ़ोन था. मेरी टेबल पे ये था कि सारे उधर आके करते थे, तो अगर मेरी टेबल पे किसी ने आकर फ़ोन करना है तो उनको लोगों के दुखों का मुझे या लोगों की मजबूरियों का या लोगों के पता लगता था. तो अक्सर लोग वहाँ पे जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे या एसोसिएट प्रोफेसर थे, वो ज़्यादातर 5-5 मरले के प्लाटों के सौदे कर रहे थे. तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि 5-5 मरले के प्लाटों का 10,000 कम कर दो, 5,000 कम कर दो, 2,000 ज़्यादा कर दो, इस तरह के. तो एक तो वो मुझे अजीब लगा. दूसरा ये कि एक दिन मैं बाहर निकला, छुट्टी हुई तो बाहर निकला तो मेरा जो चेयरमैन था डिपार्टमेंट का, वो पुरानी सनी कार थी उसके पास सुरख कलर की, वो स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी. तो मैंने सोचा यार मैं जब PhD करके चेयरमैन बनूंगा तो प्रोफेसर बनूंगा तो पुरानी सनी कार मेरे से भी स्टार्ट नहीं होगी, तो इस काम को छोड़ देते हैं. सो आई क्विट दैट. सो देन आई वेंट टू द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली. तो मैंने 10 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की. तो प्राइवेट सेक्टर में उन दिनों सैलरी ज़्यादा होती थी. फिर ये कि तरक्की करने से मतलब आप कह लें कि खूब मेहनत करते तरक्की ज़्यादा होती थी. तो प्राइवेट सेक्टर में जब मैं गया हूँ तो मैंने जैसे कहते डेडिकेशन बढ़ गई या मेरे वर्क कोलिक जो होता है बंदा या क्रिएटिव टाइप उस तरह की चीज़ें ना एक और जो कम्पीट करने की आगे रहने की चीज़ ना एक हाश किसी न किसी चीज़ में वहाँ भी वो बड़ी शदीद थी. लिहाजा मैं अपनी ना कंपनी को टॉप करता रहा कि जब जब मौका मिला मैं अपनी कंपनी और लगातार 3 से 4 दफ़ा पूरी एशिया के बेस्ट जो है वो NSM का अवार्ड आपने हासिल किया. जी मैं जो यंग मैनेजर होता है ना, इमर्जिंग यंग मैनेजर, वो मैंने 4 अवार्ड लिए जी. मैंने मतलब टोटल 7 साल सर्विस की जॉब की है. 7 साल जॉब में 2 साल तो मैंने MBA किया. वो $40,000 उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, उसे मैंने MBA किया. तो वो 2 साल तो MBA के थे बिल्कुल ठीक. और 1 साल था जो मेरे छोड़ने का था, वो ये 1 साल के अलावा बाकी हर बार मैं टॉप ही करता था. तो लगातार टॉप. एग्रीड सर. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह एक बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, कामयाब रहे हैं ज़िंदगी में. बचपन में एक अंदाज़ा हो गया था यार कि मैंने बड़े होकर कामयाब बनना है? नहीं, मैं डे ड्रीमर था जी. डे ड्रीमर था. तो डे ड्रीमर में मैं ड्रीम तो देखता था, वो एक बड़ी अजीब सी ड्रीम थी कि मैं थोड़ी सी ऊँची जगह खड़ा होकर स्पीच कर रहा था. बिल्कुल ठीक. अच्छा, हमेशा थोड़ी सी ऊँची जगह पर खड़ा होकर स्पीच कर रहा था. सो उससे मुझे अंदाज़ा होता है. तो वो जब दोबारा हाज़िर होता तो मैं और करता क्या कर रहा हूँ मैं. तो उससे थोड़ा अंदाज़ा कि जो जिसे कहते हैं ना कि एक लीड करना या गाइड करना लोगों को, या एक टीचर का रोल कह लें, एक पॉलिटिकल लीडर का रोल कह लें, या एक कॉरपोरेट लीडर का रोल कह लें, इसी रोल में देखता था मैं अपने आप को. थोड़ा मतलब एज ए फिलेंथ्रापिस्ट इस रोल में देखता था मैं कि मैं थोड़ा सा लोगों से रिच हूँ, मैं लोगों की थोड़ी मदद कर रहा हूँ. इसी रोल में बचपन में देखा करता था. तो ये अंदाजे वाली बात नहीं है, ये मेरे डे ड्रीमर में वो ड्रीम में मेरी यही आता था बार 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 बार. अगर दिन में 1,000 बार ड्रीम देखी है तो यही होती थी कि थोड़ी सी ऊंची जगह खड़ा हूँ, लोगों से बात कर. मेरे ख्याल सर वो कुदरत भी एक आपको सिग्नल्स दे रही होती है कि आप ये बनना चाह रहे हैं. ये सिग्नल तो ऐसा था जैसे जाने नहीं छोड़ती थी. ये सिग्नल तो ऐसा था कि जैसे जाने नहीं छोड़ती, किताब पर ध्यान ही नहीं जाता था ना कि डे ड्रीमर. और वो थोड़ी सी ऊंची जगह स्पीच कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं. सो मैं देख रहा, मैंने हॉस्टल बनाया हुआ है, मैं गरीब लोगों के स्टूडेंट बच्चे उधर रखे हुए हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ वगैरह वगैरह लाइक दिस. सो डे ड्रीमर जो है ना वो एक सिग्नल था, बड़ा मुश्किल सा तो साथ चलता रहा. और बड़े होकर हमने या जब प्रैक्टिकल लाइफ में किया भी हुई है प्लस माइनस. तो सर काफ़ी अर्सा आपने जॉब की और जॉब में माशाल्लाह परफॉर्म भी करते रहे और टॉप पर भी रहे. उसके बाद फिर आपने क्या सोचा यार कि अब मैंने सीख लिया तो मुझे अपना ज़रा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? ये बाय चांस है या बाय चॉइस था? एक तो ये कि बचपन में भी मैं कहा करता था मैं बिज़नेस करूँगा. क्यों कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का पहला बिज़नेस मैन हूँ और मैं अपनी फैमिली में जॉब करने वाला पहला आदमी हूँ. मेरे वालदैन किसान थे, मेरे दादा किसान थे, चचा सारे किसान थे. ठीक है, तो मैं पहला आदमी जिसने जॉब की, मैं पहला आदमी था जिसने बिज़नेस किया. ठीक है, मैं पहला आदमी जिसने जो सियासत में आया. ठीक है,
सो आप कह लें कि बचपन में कहा करता था बिजनेस करूँगा, यूनिवर्सिटी में कहा करता था बिजनेस करूँगा, तो क्यों कहता था मुझे नहीं पता। आगे जो किया बिज़नेस, वो बुनियादी वजह ये थी कि जो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी वहाँ मेरा गुजारा नहीं होता था। एक साल मैंने जॉब की, मुझे 3500 रुपये बचा, ठीक है 3500 रुपये बचा, छोटी बहन को मैंने ये दे दी, तो मुझे समय लगे कि ये करने वाला काम नहीं छोड़ दो उसको, ठीक है। गवर्नमेंट में गए तो गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादा थी, जब लास्ट सैलरी मैंने छोड़ी तो मेरी 1 लाख के लगभग सैलरी थी, तो 1 लाख की सैलरी उस वक्त तकरीबन कोई 8000 रुपये सैलरी होती थी स्टार में स्केल की, ठीक है। तो उससे भी मेरा गुजारा नहीं था, मेरे पास सेविंग होनी थी, सेविंग होनी मैंने कहीं छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा आप कह लें कि मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक नंबर टू बड़ा अच्छा नहीं हूँ मैं, मैं नंबर वन मतलब बेहतर परफॉर्म करता हूँ या डेलीगेशन ज़्यादा। तो थोड़ा सा जब उन्होंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि डेलीगेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने छोड़ने का सोचा। तीसरा ये था कि ये नॉर्मली एक कॉरपोरेट में बड़ा कॉमन सा होता है कि कॉरपोरेट में गाइड किया जाता है अपने लोगों को कि इस कॉरपोरेट से बाहर ये जन्नत है, यहाँ से बाहर निकलेंगे दोजख है, वो पढ़ाया जाता है बार बार, ये बताया जाता है, ट्रेनिंग का पार्ट भी यही होता है, ट्रेनर आता है उसको भी ये बताया जाता है कि जी आप ठीक है ये जन्नत में आप रह रहे हैं। तो वो जितना ज़्यादा कहते थे मैं उतना चिढ़ता था इस बात से, ठीक है चिढ़ता था तो मैं कहता था बाहर भी ठीक है, इंसान अपना मतलब इंसान के दो हाथ कमाने वाले हैं, एक मुँह खाने वाला है, वो भूखा नहीं मरता अगर वो नीयत ठीक हो, अकल हो। तो वो जैसे एक ज़िद जी बन जाती, थोड़ी ईगो, एक तो मतलब ख़र्चा ज़्यादा होना मेरा, या थोड़ा मैं मतलब आप कह लें कि जो थोड़ा फजूल खर्च था, थोड़े पैसों का गुजारा नहीं होता जब बिज़नेस करने की वजह, एक तो ये बनी। दूसरी ये कि जो थोड़ा सा आप कह लें कि उन्होंने जो पाबंदियाँ थोड़ी सी आप कह लें कि जो डेलीगेशन कम होती नज़र आई मुझे। और तीसरा ये कि जो वो एक ट्रेनिंग करते थे, हम जॉब छोड़े ना हमने, उसी ट्रेनिंग की वजह से मैंने छोड़ी, कि यार ये जो कहते हैं ना कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर दोजख है, तो चलें आप हम जन्नत की तलाश में निकलते हैं तो शायद मिल जाए, तो मिल गई। बिल्कुल अच्छा, लेकिन सर जब हम जॉब्स कर रहे होते हैं, मैं भी कई सालों से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हम बड़े डर से जाते हैं, खौफ एक रहता है यार कि एक इनकम आ रही है, फिक्स इनकम है, बच्चों के जो बेसिक्स नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। बहुत सारे लोग माशाल्लाह आपको फॉलो करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, माशाल्लाह आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उन लोगों को जो कि जॉब्स कर रहे हैं और उनके अंदर ये डर खौफ है कि हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें ये जो है ना आप कह रहे ये रोल है, ये बिज़नेस या जॉब ये कोई दो चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों रोल हैं। मेरा सवाल मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि आप जिस भी रोल में हैं डर के बगैर रहें, मतलब फियर से ना रहें, इनसिक्योरिटी। देखें ये जो ना एक होता है सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए ना करें कोई काम, ना बिज़नेस सर्वाइवल के लिए करें, ना आप जॉब सर्वाइवल के लिए करें, आप जो कुछ करना है राइज करने के लिए करें, ठीक है रिस्पेक्ट के लिए करें। बेसिकली जो दुनिया का प्रोडक्ट है ना वो रिस्पेक्ट है, मनी इज़ बाई प्रोडक्ट, इफ़ यू आर वेल रिस्पेक्टेड मनी इज़ बाउंड टू कम यू, ठीक है। सो आप कह लें कि जो यंग जितने भी हैं यू कैन से एग्जेक्टिव्स, मैं उन्हें रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप एक तो मतलब 9 to 5 जो जॉब है ये जॉब नहीं होती, आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो 9 to 5 कभी ना देखें, ठीक है। फिर जो आपको जॉब असाइन हुए उतनी ना करें, उससे कोई मोर मतलब कुछ समथिंग एडिशनल समथिंग ओवर एंड अबव ऑफ दैट वो आप करें, तो फिर आप असल आप एग्जेक्टिव तब हैं कि अगर। तीसरी बात यह है कि ये जो है ना यू कैन से कि जो रिस्पेक्ट आपने अर्न करनी है अपने बॉस की या उसका कॉन्फिडेंस अर्न करना है, तो वो फिर यह है कि आपको सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जो आपको काम नहीं दिया गया वो करें आप, वो करके तो उसके पास कोई ना कोई चीज़ नई लेके जाएं, जो भी कुक्ड चीज़ तैयार करके कोई चीज़ ले जाएंगे उसके लिए जो हेल्प करती है उसकी डिपेंडेंसी आप पे बढ़ती जाएगी। और आप जॉब में रह के भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेसमैन की तरह ही कमा सकते हैं। दूसरा ये कि यंग लोगों को तो कुछ देर तो जॉब ज़रूर करनी चाहिए, वहाँ पर लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक सिस्टम का जो ना सिस्टम का पता चल जाता है, या एक बने बने सिस्टम में या एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करने की एक बन जाती है आपकी आदत बन जाती है। लिहाजा कुछ देर तो लोगों को स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, तो वहाँ पे अगर उनके लिए बहुत कुछ हो तो वहाँ रहें, अगर बहुत कुछ ना हो और वो मैच ना कर रहा उनके कैलिबर से उनकी एस्पिरेशन से फिर छोड़ भी दें, लेकिन कुछ देर जॉब करें। बट जॉब और बिज़नेस डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये कि दोनों काम डर के ना करें, दोनों काम राइज के लिए करें, दोनों काम क्रिएटिविटी के लिए करें, दोनों काम रिस्पेक्ट के लिए करें, रिस्पेक्ट डिमांड करें, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, 9 to 5 से हट के करें,
तो फिर दोनों जगह बड़ा कुछ। वंडरफुल, राइटली सेड। आई मीन सच इंस्पायरेशनल स्टोरी जीमा साहब। जीमा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जब आपने भी स्टार्ट किया होगा बचपन में, सोचा होगा यार कि मैंने इस तरह करना है, आपको भी लोगों ने कहा होगा यार कि तुम नहीं कर सकते। जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब भी ये आवाज़ आई होगी, उस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, बेसिकली आप कह लें कि मुझे को कहे कि आप कह लें कि आप नहीं कर सकते, मैं माइंड करता हूँ उस बात को, ठीक है, वो ईगो मेरी बन जाती है। वो ईगो जो है वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी है। देखिए, दुनिया में जो तरक्की है, दुनिया में तरक्की लड़ाई की वजह से हुई है, दुनिया में तरक्की जो है ये ईगो की वजह से हुई है, ठीक है, किसी न किसी की मिसबिहेवियर की वजह से हुई है। मतलब दो भाई एक घर में रहते हैं, उनमें से एक मिसबिहेव करता है तो नया मकान बन जाता है, वाला होता है तो नया मकान बन जाता है। दो, एक की जगह दो मकान जब बनते हैं तो बेसिकली तरक्की है ये, ठीक है। एक की जगह दो बिजनेस होते हैं तो एक तरक्की है, ठीक है। फिर दो भाई लड़ते हैं तो दो दोस्त लड़ते हैं, थोड़ा सा हसद करते हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने को दोनों आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बड़ा बुरा समझा जाता है, लेकिन वो आपकी तरक्की में रोल, हसद तरक्की में रोल प्ले करता है, गुस्सा इन रोल प्ले करता, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, कभी आपका सास और बहू जो लड़ती हैं तो नया मकान बनता है, ठीक है, दराणी और जेठानी लड़ती हैं तो नया मकान बनता है। सो बेसिकली आप कह लें कि इन चीज़ों को इसे पार्ट ऑफ लाइफ लेना चाहिए, इसे तरक्की की अलामत बनाना चाहिए कि आप पीछे मुड़ के तो उसको जाकर नुकसान पहुँचाने ना जाएं, मुकाबला करें, मुकाबला करें, ठीक है। तो सोसाइटी सारी ने इसी तरह ग्रो किया है कि एक बंदे ने घर बनाया चार मंजिला, दूसरे का मैंने छः मंजिला बनाना है, वो छः मंजिल पहले कुछ कमाना है उसने, एक ने 1000 cc गाड़ी ली, दूसरे का मैं 1300 लेनी है, उसने कहा मैंने 1800 लेनी है, उसको 1300 मिल गई, उसको 1800 मिल गई, उसको आगे 2400 भी मिल गई, ठीक है, बच्चे ज़्यादा पढ़ाने हैं। सो ये मुकाबला जो है ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और ये लाइफ की खूबसूरती है, ये लाइफ जो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में इम्प्रूव हुई है ये मुकाबले की वजह से हुई है। लिहाजा इस बात को करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, इगोइस्टिक होना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, छोटा मोटा हसद भी आप पहले नेगेटिव नहीं कि आप उसको नुकसान को जाना शुरू करें, आप मुकाबले के लिए, मुकाबले की हद तक हसद या रश्क कर लेना चाहिए। एग्री सर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि माशाल्लाह आप इतने सक्सेसफुल हैं, और कभी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया हो जिसमें आपको लगा हो यार कि ये ज़िंदगी रुक गई है, अब इससे आगे मैं मूव नहीं कर सकता, उस लम्हे को आपने कैसे हैंडल किया? कई बार आया है, कई बार आया है। देखें, जब हम करते हैं ना पहली नस्ल, पहली नस्ल की जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल होती है, मतलब पहली नस्ल में आप ना अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, ना आप यू कैन से अच्छे सियासतदान बनते हैं, कंफर्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, आपको एक इनर्शिया मिल जाता है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो बड़ा आसान होता है चीज़ों को, स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, पहले आप बिल्कुल जोड़ रहे होते हैं, रेशे जोड़ रहे होते हैं, इकट्ठे कर रहे होते हैं, ठीक है, टूटी फूटी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्रैच से चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैंने तो हर चीज़ स्क्रैच से बनाई, ठीक है, हर चीज़ अब स्क्रैच से बनाई है, तो आप हर वक्त एफर्ट कर रहे होते हैं, हर वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उस स्ट्रगल करते हुए आप कह लें ऐसे मौके बहुत दफ़ा आते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा है हमेशा कि जब भी आपको समय लगे कि दुनिया रुक गई है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ पर दो रवैये हैं। एक तो ये कि आप उठ के मांगने निकल पड़े, आप उठ के अफसोस करना शुरू कर दें, आप उठ के किसी को बताना शुरू कर दें, ठीक है, आप घबरा के घर लेट जाएं, बीमार हो जाएं, ठीक है, इनमें से कोई काम नहीं करना आपने। सिंपल उस मौके पे, जाए वारदात पे, उस वेन्यू पे खड़े रहें आप। वो आपकी कारखाना है, वो आपकी दुकान है, वो आपका नौकरी है, ठीक है, उस जगह खड़े रहें, खड़े रहें, और किसी को ये इंप्रेशन ना दें कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। कुछ देर बाद जो रोड ब्लॉक था, आपको पता नहीं चलेगा कि जो मतलब 50 फुट ऊंची दीवार थी बड़ी मजबूत, वो पीछे हट गई है, रास्ता क्लियर हो गया, आप दोबारा चल पड़ते हैं। सिंपल, आपने किसी को नहीं बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, एफर्ट करनी है, छोटी मोटी जो भी कर सकते हैं, 1000 पहले भी करने हैं, ज़्यादा करनी है आपने, और घबराना नहीं है, वो टेम्प्रेरी फेज है, वो निकल जाना है, ये अल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला एग्री, बेसिकली वो करते ही वो है, ये नहीं है कि आप सिर्फ खड़े रहें, अगर आप घबरा गए तो उसने कुछ नहीं करना आपके लिए, आप घबरा गए तो किसी, और जिसको आपने बता दिया कि मैं ट्रबल में हूँ, किसी ने मदद नहीं करनी, वो और दूर हो जाएगा आपसे कि जनाब ये ट्रबल में है तो मैं इसके करीब हूँगा तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, कोई सपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, या वो उठ के दूसरों को बताना शुरू कर देगा आप ट्रबल में हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अल्लाह की ऐसी मदद आनी है कि जो आप कह लें कि आपका मसला हल हो जाना है, और दूसरा ये कि मेरा एक मसला आ जाए, मैं समझता मेरा मसला आज हल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, हर चीज़ ब्लॉक है। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, खड़ा रहता हूँ,
मेरा मसला 15 दिन बाद हल हो जाता है। तो 15 दिन तो मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन वो जो कुछ मेरे पास था वो सारा कुछ 15 दिन बाद चल पड़ा है। अब मैं वहाँ से भाग के कोई नई चीज़ बनाना शुरू, तो 15 दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 15 दिन में 2 कागज़ नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। सो जो बनी बनाई चीज़ है वो 15 दिन बाद चल पड़ती है, ठीक है, 1 महीने बाद चल पड़ती है। कहीं से फंड्स आ जाते हैं, कहीं से कोई अप्रूवल आ जाती है, कहीं से कोई सपोर्ट आ जाती है, ठीक है, ऐसे हालात पैदा हो जाते, चल पड़ती है। तो मेरी लाइफ का या मेरे बिजनेस का सिर्फ 1 महीना ज़ाया हुआ है, या 15 दिन ज़ाया हुआ है। 15 दिन मैंने फ्लैट था मैं, ठीक है, कोई अर्न शायद नहीं कर सका मैं, ठीक है, या मैं जो चाहता था वो नहीं कर सका, लेकिन मेरी सारे का सारा इनर्शिया तो वहीं मौजूद है, ठीक है। लिहाजा खड़े रहना, बताना ना, और आपके परेशान चेहरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करना। आपके चेहरे की जो एनर्जी है, आपकी आंखों की जो उम्मीद है, आपके लहजे का जो कॉन्फिडेंस है, उसने आपको फतह देनी है, ठीक है। तो उसे बरकरार रखें और अल्लाह से की तरफ देखते रहे, उसे मसला आपका हल करना ही करना है। क्योंकि ये बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम एफर्ट करते हैं, बाकी सारे काम वो करते हैं। लाहौर अगर देखें ना, 12.5 मिलियन की आबादी है। 12.5 मिलियन की आबादी में कुछ लोग जो हैं वो यू कैन से कोई 5-6 लाख लोग हो गए जो कुछ बनाते हैं, 10 लाख लोग जो कुछ बनाते हैं, यहाँ पे शायद कोई 1-1.5 लाख होगा जो कुछ उगाते हैं। उगाना और बनाना ये दोनों मिलके 1 मिलियन के लगभग होंगे। बाकी जो 11 मिलियन ये क्या करते हैं? बाकी 11 मिलियन सुबह उठते हैं, वो कहीं आके बैठ जाते हैं, वहाँ बैठे हुए को फ़ोन सुनते हैं, को फ़ोन करते हैं, को चाय पिलाते हैं, को चाय पीते हैं, ठीक है, किसी को गाइड करते हैं, किसी गाइडेंस लेते हैं, और शाम को सारों को रिजक मिलता है। ये बेसिकली वो जो रिजक उसने वादा किया ना, एफर्ट से रिलेट किया हुआ है, वो एफर्ट आप सिंपल कर रहे हैं तो मिल जाता है। तो ये काम जो है सारा वो करता है, उसका सिस्टम है ये। बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, आपने एफर्ट नहीं छोड़नी, और आपने यू कैन से अपनी परेशानी किसी को, बिल्कुल ठीक, एग्री, वंडरफुल ऑन स्पॉट सर, आई मीन सच इंस्पायरेशनल, और बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। और सर एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, आप किस लीडर को फॉलो करते हैं? देखिए, मैंने किसी एक को नहीं फॉलो किया। एक कंसेप्ट जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो था, वो आई लर्न फ्रॉम इमरान खान, ठीक है। ये मैंने आज तक इमरान खान को नहीं बताया। अच्छा, मैं अपने से बड़े आदमी को चीज़ें कम बताता हूँ, वो मैं समझता हूँ कहीं ये ना समझ लें, खुशामद करता हूँ। तो मैं FSC में पढ़ता था, तो उन दिनों इंडिया के दौरे पे जाना था टीम में, ठीक है। तो गुजरांवाला में, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में, तो अखबार रोज़ आती थी, तो अखबार पढ़ते थे। तो उन दिनों हान साहब का एक पैगाम होता था, मतलब एक बयान तकरीबन अक्सर कई दिन में पढ़ता रहा, वो आता था कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे। वर्ल्ड कप उनका बयान आता था बाद में, जब 87 में हुआ, या फिर वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराएंगे। सो उस जो, और उस वक्त टीम ऐसी नहीं थी कि जो हारे, हान के पास बड़ी टीम भी आई थी, बड़ी मतलब आप कह लें कि बड़े खिलाड़ी निकल गए, मुश्ताक मोहम्मद, क्या नाम है, आसफ़ इकबाल, रमीज राजा, ना क्या नाम था, वसीम राजा, और ये सारे पुराने खिलाड़ी जितने भी थे ये सारे निकल गए, ये यंग लोग। पुराने खिलाड़ी में सिर्फ जावेद मियांदाद था, बाकी सारे यंग लोग थे। तो उस टीम के साथ हराना को सोच नहीं सकता था। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली कंसेप्ट पाया जाता है कि जी आप जो कुछ करना चाहते हैं लोगों को ना बताएं, लोगों को ना बताएं, जब कर लेंगे लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, ये करके लोगों को बताएं। ये कंसेप्ट बड़ा गलत है, ये मिथ बिल्कुल गलत है, ठीक है। मुझे समय लगी, फिर वो आप कह लें वो तो उस वक्त देखने के हद तक था, देखा हमने। मैं जब प्रोफेशन में आया तो मैंने इस कंसेप्ट पे काम किया कि मैं बड़ा सा टारगेट लेता था, मैं ये करूँगा, बार बार जहाँ हर मीटिंग में, हर कह लें कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा हो गया था, मैं ये करूँगा, ठीक है। वो जो कहता था मैं करूँगा वो मुझसे कभी नहीं हुआ, जो मैं कहता था कि मैं करूँगा वो मुझसे कभी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल ग्रोथ की मैंने हमेशा, हिस्टोरिकल ग्रोथ, मैंने फ़र्ज़ करो कि बिज़नेस है कंपनी का 4 करोड़ का, मैं कह रहा हूँ मैंने सेल करना है 28 करोड़। अब मैंने 28 तो नहीं किया, वो 23 में कर गया, ठीक है, वो 4 से उठा 23 पे कर गया एक साल में, ठीक है। इस तरह की ग्रोथ कभी नहीं आई, इट वॉज फिनामिनल, ठीक है। बट आप कह लें कि मैंने शायद ज़िंदगी में कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया, ठीक है, बट बहुत बड़े बड़े टारगेट, बट अगेंस्ट लास्ट ईयर ग्रोथ होती रही माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहने का मतलब ये कि समझ मुझे आया है कि मैं जब कहीं भी जाता हूँ मैं एक बात करता हूँ कि मुझे जो समझ, जो इमरान खान से मैंने कंसेप्ट सीखा वो ये है कि आप बड़ा सा ख्वाब देखो, उस बड़े से ख्वाब को पब्लिक में अनाउंस करो, पब्लिक में अनाउंस करो। लोग पब्लिक में अनाउंस नहीं करते, ख्वाब देखते हैं, पब्लिक में अनाउंस नहीं करते।
और उस ख्वाब को पब्लिक में बार बार अनाउंस करो। बार बार अनाउंस करोगे तो फिर आप एक प्रेशर आ जाएगा कि अगर आप ना कर सके तो आपके कज़न, आपके दोस्त, आपके भाई या आपके कंपटीटर आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर आप पे पब्लिक प्रेशर आ गया। जब प्रेशर आ गया तो आपकी ओनरशिप बहुत बढ़ गई, एफर्ट भी बढ़ गई, एफर्ट भी कई गुना बढ़ गई। फिर आप करने की कोशिश करेंगे, जो करेंगे उसका 89 और जो कुछ आप बड़ा सा ख्वाब देख रहे हैं फिर जो अनाउंस कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ज़रूर होगी। कैलकुलेशन के बेस पे आपने करना है, ये इतने नए एरियाज़ हैं, ये मेरे इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने काम करना है, एक ठीक है कैलकुलेटेड सी मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव, कैलकुलेटेड हाब, कैलकुलेटेड बयान, कैलकुलेटेड टारगेट, वो कैलकुलेटेड को पब्लिक में बयान करो और फिर उसके लिए पूरी जान लड़ा दो। ठीक है, उसका 80-90% कर देंगे और जब 80-90% किया तो पता लगा कि जनाब आप तो 100% ग्रो कर गए। ठीक है, सो मैंने इस कंसेप्ट पे अरे देखे ना, हान ने कहा मैंने 87 का वर्ल्ड कप जीतूंगा, नहीं जीता, लेकिन ये सेमीफाइनल तो पहुँचा, कभी नहीं हम पहुँचे थे। ठीक है, और फिर इंडिया से जीते, वेस्ट इंडीज से जीते, मतलब टीम की अगर परफॉर्मेंस उस दौर में देखें तो बड़ी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो ये तो नहीं कि 100% के काम हुए, 100% अचीवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ज़रूर हो गई। सो आप कह लें कि जो सोसाइटी में मिथ पाई जाती है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं बताएं ना, ठीक है, ये गलत है। आप बताएं, बार बार बताएं, पब्लिकली बताएं, उसकी ओनरशिप लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करें और अल्टीमेटली यू विल अचीव बिग 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 थिंग। Rightly said, sir. Thank you very much for your time, support and love. By the way, you were amazing and superb. I really enjoyed your whole discussion and learned a lot of things from you. So, sir, final message that you want to give to the followers of Qasim Malaysia Foundation? Look, basically, you can say that ye jo hai na, baaz log ye training ko ye jo motivators hain, you can say ke motivational speakers jo hain, baaz log na inke sath bare mein jo discussion karte hain, wo negative karte hain. कि इनका रोल तो होते नहीं बातें करनी है ना, वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, बाज़ लोग मजाक उड़ा रहते हैं। बेसिक बात ये है कि आपने वाकई बातें करनी होती हैं। कासिम अली शाह या कासिम अली शाह फाउंडेशन ये बातें करते हैं, उस उन बातों से कोई दरिया के किनारे बैठा हुआ बच्चा, वो कहीं कोई लालटेन की रोशनी में बैठा हुआ बच्चा, किसी छोटे स्कूल में किसी किसान का, किसी बकरियाँ चराने वाले का बच्चा, अगर मोटिवेट हो के कोई बड़ा काम करने चल पड़ता है तो इस फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल, जो कई लोगों की, कई मिलियन लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है। सो ये सोसाइटी में ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर यह है कि हम नॉर्मली ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ग़ुलाम हम होते हैं अपने से ज़्यादा अमीर के, ग़ुलाम हम होते हैं यू कैन से कि अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे के, कि ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता। ये जो मैं नहीं कर सकता और ये यही कर सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, वो अमीर ज़्यादा है, उसके वालदैन ज़्यादा अमीर है, उनकी ज़मीन ज़्यादा है, उनकी जायदाद ज़्यादा है। सो बेसिकली ये एक शार्ट ऑफ ग़ुलामी है। तो जब हम कासिम अली शाह जैसे लोगों की इस तरह की बातें सुनते हैं और उठ के एफर्ट करने चल पड़ते हैं, किसी गरीब का बच्चा एफर्ट करना जिसको वालदैन गाइड नहीं कर सकते, जिसको टीचर उस तरह गाइड नहीं कर सकता, इनकी बात सुन के उठ के एफर्ट करना लग जाता है, तो वो ज़िंदगी लोगों को चेंज कर देता है। सो जो मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी जो चेंज हो रही है, ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और बैठे हुए बच्चे जो मेरी बात भी सुन रहे हैं, किसी दरिया के किनारे कोई लालटेन की रोशनी में, कोई बकरियाँ चराते हुए, कोई पहाड़ों पर फिरते हुए, वो बच्चे कोई मेरी मैं भी इसी तरह का बच्चा था, तो मेरी बात सुन के या कासिम अली शाह साहब की बात सुन के या कासिम अली शाह साहब की बात को सुन के तो बड़ा काम करने चल पड़ो, हो जाएगा, होता है सारों के लिए, अल्लाह ताला ने सलाहियतें बराबर दी हुई हैं। करने चल पड़ोगे तो 100% नहीं करोगे, 90% कर जाओगे, 80% कर जाओगे। बड़े आदमी आप बन सकते हैं, हर आदमी का हक है, हर आदमी बन सकता है, एफर्ट ज़रूर करें, बड़े होने की जैसे कहते हैं ना एक आगाज़ वो कर दे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों का भी कि आज आपने ये एपिसोड है हमारी देखी। बाय द वे जमशेद चेमा सब अमेजिंग एंड सुपर्ब, मैंने खुद आज इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखा और मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ कि इनकी एक एक जो आई मीन विल फास्ट जो लव्स इन्होंने बोले भरपूर थे मोटिवेशन से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी इस पूरी डिस्कशन को इन्जॉय किया होगा, किसी शायद बड़ा खूब का। और जमशेद चेमा साहब एग्जैक्ट उसी तरह साथ है, उन्होंने कहा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो चीमा साहब की भी कहानी वैसी ही थी, जिस तरफ भी चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने वो रास्ते खोले, आज और एक कामयाब एक इंसान है।
बाय द वे अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन, टेक केयर, बाय बाय।